नमस्कार, आप देख रहे हैं रेखा अग्रवाल चैनल और आज हम मटर पनीर की जूस वाली सब्जी बनाएंगे। ये भिवानी की बहुत ही फेमस सब्जी है और ये सिर्फ भिवानी में ही मिलती है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। इसमें जो हम जूस डालते हैं ये सब्जियों के स्वाद को बढ़ा देता है। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं सब्जी बनाना, देखते हैं कैसे बनती है जूस वाली सब्जी। तो आज हम बनाएंगे जूस वाली सब्जी, उसके लिए सबसे पहले हम 6 कटोरी सब्जी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 2 बड़े प्याज ले लिए थे, इसको मिक्सी में डाल लेंगे हम। और ये 8-10 कली लहसुन की है, इनको पीस कर इनका पेस्ट बना लेते हैं। ये प्याज मैंने पीस लिए हैं और अब हम इनके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे क्या क्या डलेगा। ये 6-7 छोटे प्याज ले लिए हैं, 5-6 हरी मिर्च ले लिए हैं, 1 गिलास टमाटर का जूस, 1/2 गिलास अनार का जूस, 1 गिलास संतरे का जूस है। अगर सीजन में संतरे नहीं मिलते तो आप मौसमी का जूस भी डाल सकते हैं। ये 8-10 काजू का पेस्ट है, 1 कटोरी दही है, 2 कटोरी आलू हैं, 1 कटोरी मटर है, 1 कटोरी पनीर है। और ये सब्जी देसी घी में ही बनेगी, तो ये रिफाइंड में नहीं बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं सब्जी बनाना। सबसे पहले हम आलू को डीप फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमने गैस पर फ्राई पैन चढ़ा दिया है, 1 कटोरी घी डाल लेंगे। ये घी हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें आलू डाल देंगे। ये आलू मैंने काट कर धुल लिए थे, इनको फ्राई कर लेंगे। ये आलू हमारे सिक गए हैं और अंदर से सॉफ्ट भी हो गए हैं, अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। आलू हमने सेक लिए हैं, अब हम पनीर फ्राई कर लेंगे, मटर फ्राई कर लेंगे। इनको थोड़ा ढक देंगे, उछलते हैं ये, इनको बस सिर्फ 1/2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। मटर फ्राई हो गए हैं, इनको निकाल लेते हैं, थोड़ा सा घी निकाल लेंगे। ये देखिए इतना घी निकाल लिया है। घी में सबसे पहले हम ये छोटे प्याज हैं इनको सेक लेंगे और हरी मिर्च सेक लेंगे, इनको ढक देंगे, हरी मिर्च उछलती है। ये देखिए प्याज और हरी मिर्च हमने ढककर 1 मिनट के लिए सेक लिया है, अब गैस को बंद कर देंगे और इनको निकाल लेंगे। गैस को बंद कर निकालेंगे वरना ये उछल जाएंगे। प्याज और हरी मिर्च हमने निकाल ली है, अब बचे हुए घी में ये प्याज पीस लिए थे जो, इनको सेक लेंगे। लहसुन और प्याज है ये पीसा हुआ, प्याज को 5 मिनट सेक लिया है। अब इसमें 8-10 काजू का पेस्ट डाल देंगे, 1 चम्मच नमक डाल देंगे, ये सूखा धनिया डाल देंगे 2-3 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे। मसाला डालने के बाद प्याज को 1 मिनट के लिए और भून लेंगे। ये मसाला भून लिया है, इसके बाद हम दही डालकर इसको तेल छोड़ने तक भून लेंगे। ये दही डालने के बाद प्याज और दही ने तेल छोड़ दिया है। ये 1 गिलास टमाटर का जूस है, ये डाल देंगे, इसको 2-3 मिनट के लिए सेक लेंगे। ये देखिए टमाटर भी हमारे 2 मिनट के लिए सिक गए हैं, अब हम इसमें 1/2 गिलास लाल अनार का जूस डाल देंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे। ये 1 गिलास संतरे का जूस है, अगर संतरे का नहीं मिलता तो मौसमी का डाल दें, तो ये मैं संतरे का डाल रही हूँ। इसमें पानी नहीं डलेगा बिल्कुल भी, ये सिर्फ जूस से ही बनेगी। और अब ये सब्जियां जो हमने फ्राई की थी ये डाल देंगे सारी, आलू पनीर और प्याज वगैरह। अब इसको ढककर 15 मिनट के लिए पका लेंगे।
इस सब्जी को 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए, इसको हम 15-20 मिनट के लिए पकाएंगे। ये सारी सब्जियां मसाले तेल छोड़ देंगे, जब ऊपर हमें तेल नज़र आएगा तब ये अच्छी तरह पक जाएगी। तब तक हम इसे 15-20 मिनट के लिए पका लेते हैं, गैस को मीडियम कर देंगे। ये सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। देखिए इसकी तरी इतनी गाढ़ी होनी चाहिए, अगर आपको ये ज़्यादा गाढ़ी लगती है तो आप थोड़ा जूस और डाल सकते हैं। गैस को बंद कर देंगे और इस सब्जी को हम दूध वाली मिस्सी रोटी के साथ परोस सकते हैं, और पूड़ी के साथ, पुलाव के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं हम। सिंपल रोटी के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है, आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही पसंद आएगी, एक बार आप बनाना ज़रूर इसे घर पर। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।